ये है दिल्ली दर्पण। आपको अपने शरीर की जो आंतरिक शक्तियां हैं उनको जागृत करना ही होगा। परसेंट से ज़्यादा डिजीज तो हमारी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, जो अगर हम अपना डाइट से, योगा से, मेडिटेशन से उनको सुधार सकते हैं, उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, दवाइयाँ बंद हो सकती हैं। अगर हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ होगा तो हमारा योग भगवान के साथ हो जाएगा। तो योग का मतलब ही हमारे भगवान के साथ जुड़ना है। अशोक विहार के स्वर्गीय चांद किशोर अग्रवाल पार्क में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नॉर्थ जोन ने भी एकात्मक योग फाउंडेशन के साथ मिलकर योग दिवस मनाया। इस मौके पर बड़ी संख्या में डॉक्टर्स और स्थानीय आरईवे और सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से जुटे लोगों ने सामूहिक रूप से योग किया। इस मौके पर योगाचार्य आचार्य कैलाश ने योग के गुर सिखाए तो वहीं सीनियर्स डॉक्टर्स द्वारा हेल्थ चेकअप की सुविधा भी उपलब्ध रही। दिल्ली दर्पण टीवी से बात करते हुए प्रमुख लोगों ने योग की महत्व और इसकी उपयोगिता पर चर्चा की। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कहाँ क्या माहौल है ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। रोहिणी के बाद हम सीधे यहाँ पहुँचे अशोक विहार, जहाँ एकात्म योग संस्थान की तरफ से योगा का कार्यक्रम किया गया था। साथ में जो गिरीश त्यागी हैं, इंडियन में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हैं, और आचार्य जी हैं। आचार्य जी, कितना फर्क पड़ा है डे बाय डे? योगा की लोकप्रियता तो बढ़ती जा रही है, बहुत जागरूकता है लोगों में, अब बढ़ रही है लोगों में जैसे जैसे ये, अब खासकर जब अभी कोरोना का जो पीरियड आया, कोविड का पीरियड आया, उसके बाद लोगों को ये लगा कि आपको अपने शरीर की जो आंतरिक शक्तियाँ हैं उनको जागृत करना ही होगा। आप जब एक ऐसी स्टेज थी कि जब दवाइयाँ नहीं थी, कोई ट्रीटमेंट नहीं था, तो वहाँ पर आपको सेल्फ, आपकी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करने की आवश्यकता महसूस हुई, और लोग जा रहे हैं, अब लोग जागृत हो रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि जैसे डॉक्टर साहब हमारे बगल में खड़े हैं, डॉक्टर त्यागी, डॉक्टर्स की जो बिरादरी है, पूरा परिवार है, वो इसमें धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रहा है। और जिस दिन मेडिकल, मॉडर्न मेडिकल साइंस के लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, उस दिन ये बहुत आगे बढ़ेगा। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ, जो आसन भी, जैसे इसका भी कोई आविष्कार होते हैं क्या? लगातार शोध होते रहते हैं योग में भी क्या? मैं देखो, निरंतर होता है, आविष्कार तो होते रहने चाहिए। और वैसे भी देखिए, 84 लाख आसन है टोटल, जितने सृष्टि में जीव है सब पर आसन है। अच्छा। तो हर आसन का एक प्रभाव है, हर आसन का, इतने आसन सबको याद नहीं हो सकते, सब उनको कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि आप सपोज, जैसे बहुत सारे आसन है, आजकल बहुत छोटी सी बीमारियां, जैसे उच्च रक्तचाप की बीमारी है, या सपोज किसी को डायबिटीज, उस थीम पर क्या विशेष किया? आज विशेष तो एक जनरल था, क्योंकि इसमें सभी तरह के लोग आए हुए थे। आज ऐसा नहीं था कि जो रेगुलर करने वाले ही हों, कुछ लोग ऐसे थे, पर उनके लिए एक तरह से इस तरह से बनाया गया था कि उसको सब लोग कर सके। और उसमें जैसे सूर्य नमस्कार है, सूर्य नमस्कार को पूर्ण योग कहा गया है, ठीक है, वो उसमें था। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि हर शरीर के हर अंग पर काम करने वाली स्थितियाँ या आसनों का आज जो है हमने उनका उपयोग किया। चलिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से गिरीश त्यागी जुड़े हैं। गिरीश जी, थोड़ा सा प्रेशर तो कम होता ही होगा मरीजों का, अगर इस तरह से अगर जागरूकता बढ़े, क्योंकि जब मरीज़ कम होंगे तो आप लोगों पर भी प्रेशर कम होगा। जी जी, सबसे पहले तो क्योंकि योग का सबसे बड़ा रोल है कि जो लाइफस्टाइल, असली जो 50% से ज़्यादा डिजीज़ तो हमारी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, जो अगर हम अपना डाइट से, योगा से, मेडिटेशन से उनको सुधार सकते हैं, उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, दवाइयाँ बंद हो सकती हैं, और एक आपका अच्छा लाइफस्टाइल हो सकता है, जिसमें कि थायराइड भी हो सकती है, डायबिटीज़ भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर है, जो इस तरह की बीमारी हैं जो कि सिर्फ योगा से और हमारे लाइफस्टाइल अगर मॉडिफाई करें तो करें। इस जो आज का योग का कार्यक्रम था, जिसमें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दिल्ली नॉर्थ जोन इसमें जुड़ी आचार्य कैलाश जी की संस्था के साथ, और डॉक्टर्स भी मजाक में कह रहे थे कि अगर हम योग करेंगे, ज़्यादा जागरूक करेंगे, तो कल को हमारे इफेक्ट हमारे पे ही आएगा कि जो मरीज हमारे कम होंगे। पर फिर भी इसमें इस प्रोग्राम में डॉक्टर पूरी अच्छी संख्या में जुड़े, दूर दूर से, इस दिल्ली, पश्चिम बिहार, नरेला तक के डॉक्टर्स इसमें जुड़े, जो महसूस करते हैं कि उनको भी योग करते रहना होना चाहिए। और क्योंकि हमारा मकसद, हमारा है सोसाइटी के साथ, कि सोसाइटी की लाइफस्टाइल कैसे इंप्रूव हो, जो बीमारी अगर
जो अवॉइड हो सकती हैं उनको कैसे कम करा जाए और मेडिकेशन का रोल कम से कम हो, प्लस हमारे जो इसी तरह इसीलिए हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दिल्ली नॉर्थ इस कार्यक्रम में जुड़ी और पूरे अच्छे तरीके से जुड़ी। चलिए, हमारे साथ जो ट्रांसपोर्ट असिस्टेंट कमिश्नर हैं एक्स अनिल चिकारा जी, सोशल वर्कर भी हैं और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर, आज कितनी संस्थाओं ने यहाँ पे भागीदारी की और कैसा लगा? आज हमारे पास एक तो एकात्मक योग संस्था है जो आचार्य कैलाश जी की है और ये संस्था हमारे ना केवल योग ये बल्कि प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में भी लोगों को जागरूक करती है। और आचार्य साहब जो कैलाश जी हैं इन्होंने बहुत सारे अनुसंधान भी किए हैं और इन्होंने जैसे कि बताया कि नए प्रकार के ये योग भी निकाल के लाते हैं और उसको एक्सपेरिमेंट भी करते हैं और इसका स्टडीज़ भी करते हैं। और मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हम योग की बात करते हैं, अगर हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ होगा तो हमारा योग भगवान के साथ हो जाएगा। तो योग का मतलब ही हमारे भगवान के साथ जुड़ना है और उसको जोड़ने के लिए हम अगर इस थेरेपी को अपनाते हैं तो मैं मानता हूँ कि हम स्वास्थ्य के एक हमारा जो जीवन है वो उल्लासपूर्ण रहेगा और हम ज़्यादा अच्छी तरक्की कर पाएंगे अगर स्वस्थ रहते हैं और भगवान की विशेष कृपा रहेगी। चलिए, हमारे साथ नरेश जी हैं, एमसीडी के अधिकारी, बहुत समय से सुबह सुबह रोज करते हैं मेरे ख्याल से, लगभग 25 साल हो गए। कितना परिवर्तन? अच्छा, लगभग 25 साल हो गए और इससे एक इतना ज़बरदस्त परिवर्तन आता है स्वामी जी, मन सोच और विचार, मतलब शरीर पे तो प्रभाव पड़ता ही है हर एक अंग पे, उसके साथ साथ आदमी की सोच बदलती है और जो कार्यशैली है उसमें और मन लगा के काम करता है। मैं तो ये मानता हूँ कि भी हर सरकारी संस्था में अगर इसका होगा तो वो आदमी डिप्रेशन में नहीं जाएगा और अपने काम को बड़ी बेखूबी और शिद्दत के साथ करेगा और उसका मन लगेगा काम करने में। तो योग के बहुत बड़े लाभ हैं, शरीर के साथ साथ एक समाज को भी जोड़ता है योग, जो है शरीर को तो ठीक करता ही करता है, उसके साथ मन बुद्धि सोच विचार सब पे फर्क पड़ता है। सर, ये प्रोग्राम का एक हिस्सा मैंने बनाया गया मुझे, उसके लिए मैं डॉक्टर चिकारे जी का, डॉक्टर त्यागी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सभी से निवेदन ही करता हूँ कि योग करिए, स्वस्थ रहिए और फिर भी कोई समस्या तो डॉक्टर के पास बिल्कुल जाइए। थैंक यू। चलिए, तो ये थे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एकात्म योग संस्थान से जुड़े लोग थे। आपने देखा कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा इनका है और मानते हैं कि अगर नियमित रूप से योगा किया जाए तो जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और ज़िंदगी में बदलाव और खुशी महसूस करेंगे। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।